दिल थाम लीजिए क्योंकि अब से कुछ देर बाद जमकर आतिशबाजी होगी। गौरव से देश का तिरंगा लहराएगा, दुश्मनों को धूल चटाने शमशेर पठानिया आएगा, एक दिल छू लेने वाली कहानी की दास्ता सुनाएगा और पूरा देश एक बार फिर जश्न मनाएगा। जी हाँ, कुछ देर बाद रिलीज होगा फाइटर का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, जिसके लिए फैंस की आंखें ना जाने कब से तरस रही थी। और आखिरकार वो पल आने को है जब पूरा देश फाइटर 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 के नारे लगाएगा। मेकर्स के जरिए रिलीज किए गए फाइटर के पोस्टर के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर आज ठीक 12 बजे रिलीज होगा, यानी कि कुछ घंटों में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो ट्रेलर के लिए आपके इस इंतजार में चार चांद लगा देगी। इस खबर को सुनने के बाद आपकी खुशी, दीवानगी और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। पहली खबर जुड़ी हुई है इस ट्रेलर के ड्यूरेशन से जो सामने आ गई है। खबरों की माने तो फाइटर का ये ट्रेलर 3 मिनट लंबा होने वाला है, यानी कि 3 मिनट तक आपको एक्शन, हवाई स्टंट, इमोशंस, रोमांस और दुश्मनों का आतंक और उन आतंक का वार देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल 3 मिनट 23 सेकंड का ट्रेलर है, जो आप लोगों के दिलो दिमाग में फाइटर के नाम की चिंगारी लगाने के लिए काफी है। दूसरी खबर की बात करें तो इसे सुनने के बाद तो आप 1 मिनट भी इस ट्रेलर के इंतजार में नहीं काट पाएंगे। इस लेटेस्ट अपडेट की माने तो फाइनली वो पल आ गया है जब आपको ऋतिक रोशन और फिल्म का विलन आमने सामने दिखाई देगा। अभी तक देखा गया है कि किसी भी देशभक्ति वाली फिल्म के ट्रेलर में विलन का दीदार करवा दिया जाता है, लेकिन विलन और हीरो को भिड़ते नहीं दिखाया जाता, मगर फाइटर में ऐसा पहली बार होने वाला है। कहा जा रहा है कि फाइटर के ट्रेलर के एंड वाले पार्ट में आपको फिल्म के विलन और शमशेर पठानिया का आमना सामना और ये दोनों दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे, जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला है। इन दोनों अपडेट्स को सुनने के बाद ट्रेलर को देखने के लिए आपकी एक्साइटमेंट कहां तक पहुंची, कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।